नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके प्राइम और जेके प्राइम में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से 25 लाख जो वोटर्स बढ़ाने की बात कही गई है उस हवाले से, और आपको ये भी बताते चले कि ग्राफिक्स के जरिए ही सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से वोटर्स की तादाद यहां पर बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार आप देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से यहां पर किस तरह से बताया गया है कि शामिल किस तरह 25 लाख नए मतदाता यहां पर होने वाले हैं। आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया है और इनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर या देश के दूसरे राज्यों के वो व्यक्ति भी शामिल होंगे जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम आप किस तरह से डाल सकते हैं जरा सबसे पहले वो समझिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव यहां पर बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी लोगों को मतदान के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अधिवास की आवश्यकता है। अन्य राज्यों के सशस्त्र बल के जवान जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो भी अपना नाम यहां पर सूची में दायर कर सकते हैं। किराए पर रह रहे लोग भी यहां पर वोट जो है वो डाल सकते हैं। गैर सरकारी लोग और साथ ही साथ गैर स्थानीय लोगों के लिए मतदान के लिए कोई रोक नहीं होगी, यानी वो भी अपना वोट डाल सकेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जम्मू कश्मीर में कितने समय से रह रहा है, बिल्कुल भी ये बात नहीं पूछी जाएगी। गैर स्थानीय जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रह रहा है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला ERO करेगा। और पूरी तरह आपको बताते चले कि गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग भी यहाँ पर कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से काम यहाँ पर किया गया है। एकमात्र शर्त क्या रहेगी वो जरा समझ लीजिए। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए व्यक्ति ने अपने मूल राज्य से अपना मतदाता जो पंजीकरण है वो रद्द करना होगा। सबसे पहले आपको मतदाता की पंजीकरण अगर कहीं पर हुई वहां पर उसे रद्द करना है। तो आयोग के फैसले से मतदाता सूची में करीब 20 से 25 लाख नए मतदाता शामिल होंगे, और उसके साथ साथ महबूबा ने भी आज बीजेपी पर मदद करने का आरोप लगा दिया, यानी पूरी तरह से कटाक्ष करती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद की जा रही है। गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है भाजपा के पक्ष में। चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के संकेत हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है, लेकिन उस बीच में किस तरह से यहाँ पर अब परिसीमन के बाद काम होगा, अब नए ढांचे के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जा रही है जिसमें किस तरह से अब मतदाता अपना वोट भरेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि पूरे जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए इसे रोक दिया गया था, लेकिन इस बीच में अब फिर से यहाँ पर ये शुरुआत हो गई है। इससे पहले अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 31 अक्टूबर तक का समय रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, 25 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पूरी तरह आप देखिए 25 दिनों को अगर बढ़ाया गया है तो मतदाता जो केंद्र है उनकी संख्या 11,370 हो गई है। मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर में कैंप भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें आप जाकर अपनी सूची तैयार करा सकते हैं, अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जहां लोग मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस तरह से केंद्रों का गठन हो गया है और शिविर भी अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे, लेकिन जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम को लेकर आधार कार्ड के जरिए जोड़ा जाएगा। अब ये कश्मकश का माहौल जरूर बना था, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर साफ हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से 18 साल या उससे पहले के जो लोग हैं वो यहाँ पर मतदान कर सकेंगे। और जम्मू कश्मीर में किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो अब बनते जा रहे हैं, इस पर अब जरा संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त जो है वो पुनरीक्षण किया जाएगा। संक्षिप्त तौर पर यहाँ पुनरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन उस बीच में किस तरह से काम किया जाएगा ये अब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए गांव के अंदर किस तरह से काम चलेगा, शहरों के अंदर किस तरह से चलेगा। 25 नवंबर तक मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन को पूरा करने के लिए काम कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी को मतदाता सूची में शामिल किया जाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मतदाता सूची का मसौदा 15 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन उस बीच में किस तरह से अब हालात बनेंगे, सूची को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज करने की अवधि 15 सितंबर से 25 सितंबर तक रखी गई है, और इसके बाद 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। लेकिन इस बीच में आप अपनी ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। 1 जनवरी 2019 के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन हो रहा है और इसलिए हम यहाँ मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। हम यानी आम जनता जो है एक बड़ा बदलाव देखना चाह रही है, और पिछले 3 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु जो है
वो अब जिनकी हो गई है वोट का अधिकार रखते हैं। जम्मू कश्मीर में 18 से ज्यादा आयु के करीब आप देखिए किस तरह से आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। अंतिम चरण मतदाता सूची के अनुसार सूचीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या 76 लाख है और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति के पास जम्मू कश्मीर का अधिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं होगा। यानी बाहरी राज्यों से भी लोग अगर यहां पर हैं तो मतदान कर सकते हैं। तो 600 मतदान केंद्र जो है वो जोड़े गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या जिस तरह पहले भी बताया गया 11,370 हो गई है और अगर संख्या को बढ़ाया गया है तो जाहिर तौर पर मतदान करने के लिए जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। तो आपको यह भी बताते चले कि यहाँ पर आयोग घर घर जाकर प्रचार करने की योजना बना रहा है और योग्य मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर की भी आयोजित कार्यक्रम जो है वो रखे जाएंगे। यानी अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच में अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से यहाँ पर संशोधन होगा उसमें देखना ये होगा कि किस तरह से अब मतदान केंद्रों के अंदर काम होगा और बढ़ चढ़कर लोग किस तरह से यहाँ पर भाग लेते हैं। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि आधार संख्या को मतदाता सूची के आंकड़ों से जोड़ने के लिए संशोधित किया गया है जिसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रतिविष्टियों के लिए भी काम करना है। और यह भी कहा गया निर्वाचन आयोग की तरफ से कि नए मतदाता पहचान पत्र जारी करेगा जिसमें नई सुरक्षा विशेषताएं होंगी। और बड़ा बयान जो जहां पर जारी हुआ है वो विस्थापित आबादी के लिए पहले से ही यह विशेष प्रावधान है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और अब आप ये समझिए कि जो लोग अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे अब भी कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित प्रवासी अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है और वो भी अपना वोट डाल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह कटाक्ष कर रहा है, निंदा कर रहा है, अब नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए दिल्ली, जम्मू, उधमपुर सहित विभिन्न स्थानों पर उनके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे जहां सभी को मतदाता पहचान पत्र दिए जाएंगे। यानी सबसे पहले आप देखिए मसौदा जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई है और उसके बाद आगे का काम यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन मतदाता केंद्रों के अंदर किस तरह से काम होगा, इस बीच में जम्मू कश्मीर में शरण लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को मतदाता सूची में शामिल करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया गया है जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा था लेकिन उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब आप ये समझिए कि अगर यहाँ पर इसे खारिज किया गया है तो किस तरह से मतदाता जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि 25 लाख की तादाद यहाँ पर बताई गई है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है जिसके बाद आप देखिए किस तरह से निर्वाचन आयोग जो है वो काम कर रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग पर कोई भी सवालिया निशान नहीं उठ सकता। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ये फैसला सामने रखा है उस पर कहीं ना कहीं किस तरह से काम होगा ये बात है। और वोटर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से रहेंगे, गैर कश्मीरी वोटर यहाँ बदल देंगे सत्ता का गणित। यानी जो बाहर के लोग यहाँ पर वोट डालेंगे वो कहीं ना कहीं सत्ता का गणित बदल देंगे और जम्मू कश्मीर में वोटिंग का पैमाना निर्वाचन आयोग ने अब बदल दिया है। अब आप ये भी समझिए कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने इस बात की पूरी तरह से जानकारी सामने रख दी है और आपका कश्मीरी होना जरूरी नहीं है। अगर आप कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जम्मू से ताल्लुक नहीं रखते हैं तब भी आप जम्मू कश्मीर के अंदर वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के लिए आपको मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने होंगे और उससे पहले विधानसभा चुनाव में 25 लाख नए वोटर थे लेकिन उस बीच में किस तरह से यहाँ पर काम होगा, नए परिसीमन के मुताबिक बढ़ जाएंगी कुल 7 सीटें। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि लगातार आप देखिए 1 करोड़ के करीब यहाँ पहुंच जाएगी मतदाताओं की गिनती। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले निर्वाचन आयोग ने गैर स्थानीय वोटरों को जोड़ने की बात भी कह दी है लेकिन उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है और पूरी तरह जो संशय बन रहे थे अब उस पर देखिए गैर कश्मीरियों के मतदान पर किस तरह से अब यह काम होगा। यानी गैर कश्मीरी मतदान कर सकते हैं, आपको मतदाता सूची में सिर्फ अपना नाम जो है वो दर्ज कराना होगा। किस तरह से दर्ज कराना होगा वो भी समझिए। वोटरों की संख्या में करीब 25 लाख का इजाफा हो सकता है और 25 लाख से भी ज्यादा ये सत्ता में बढ़ सकता है। यानी जो सत्ता के गणित को बदलने के लिए खासा मायने रखता है कि अगर 25 लाख वोटर बढ़ते हैं तो किस तरह से रणनीति जो है वो बनेगी। वोटरों का इजाफा बदल सकता है सत्ता का गणित और जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात होंगे ये देखने वाली बात है। विधानसभा चुनाव से पहले के आंकड़ों की अगर बात करें तो आप देखिए किस तरह से हालात है। इस चुनाव में संख्या करीब 25 लाख बढ़ जाएगी और 25 लाख पर हर किसी की नजर टकी हुई है और तादाद बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी अमूमन पूरी तरह से अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि 25 लाख से बढ़ भी सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो गैर कश्मीरी वोटर जुड़ेंगे और अगर वोटर जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष की चिंता जो है वो बढ़ जाएगी। हाथ से फिसलती जा रही है राजनीति। जिस तरह से वोटर्स की तादाद बढ़ रही है तो विपक्ष जो है वो पूरी तरह से अब कटाक्ष तो कर रहा है लेकिन महबूबा मुफ्ती साफ शब्दों में कह रही है कि बीजेपी यहाँ के चुनाव परिणामों को बदलना चाहती है, पुराने बाशिंदे कमजोर हो जाएं इस तरह से काम करना चाहती है।
और परिसीमन यहां पर खासा असर जो है वो डाल रहा है। इस तरह से आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया, सरकार का भी पूरी तरह आप देखिए कार्यकाल बदल जाएगा। और पहले जो सीटें यहां संख्या की बात करें तो 83 हुआ करती थी, लेकिन अब गिनती बढ़कर 90 हो गई है। और साथ ही साथ आप ये समझिए कि गणित जिस तरह से बदला है, 6 जबकि कश्मीर में 1 सीट बढ़ा दी गई, जिसमें 7 सीटों का इजाफा हुआ, कुल मिलाकर 90 सीटों पर बात करें तो इसमें कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें शामिल है। और इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई है, जिसमें आप देखिए अब कहीं ना कहीं रणनीति बदलेगी। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ST कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखा गया है। और इसके साथ ही POK से जो विस्थापित शरणार्थी हैं उनके लिए भी सीटें किस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि पहली बार सरकार का कार्यकाल भी बदलता हुआ नजर आएगा। और पहले जिस तरह से दरअसल अभी तक सरकार का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, जो अब 5 साल का हो जाएगा, यानी पूरी तरह से बदला। 25 लाख नए वोटर जम्मू में, 6 नई सीटें, तो इस तरह से गैर कश्मीरी वोटर बदल देंगे सत्ता का गणित। तो चलिए अब पैनल की ओर बढ़ेंगे और पैनल में आपको दिखाते चले कि किस तरह से यहां पर पैमाना जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस वक्त बीजेपी पार्टी से हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत। PDP पार्टी से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनके साथ साथ शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी से रविंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी पार्टी से ही सवाल यहां पर रहेगा और उसके बाद प्रतिक्रिया जो है वो विपक्ष की भी लेंगे। तो अभिजीत, पहला सवाल आप ही से है कि जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जैसे ही ऐलान किया गया, जानकारी सामने रखी गई, विपक्ष पूरी तरह से निंदा कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है और कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। देखिए आशा जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, और अगर आप देखिए उसी के ऊपर सारी चीजें जो आगे की गई है, और हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम जहाँ कहीं पर भी हैं और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर अपने मतदान का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, देश की तरक्की में अपना मत जो है वो डाल सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को ये हकूक हासिल है। और मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर कोई अलग से ऐसी कोई रियासत रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ जो अभी आपने कही वो आपके सामने ही है, अगर कोई यहाँ पर वोट डालना चाहता तो उसे अपने पहले पीछे का वोट कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर रहना चाहता, अगर वोट डालना चाहता तो उसे वोट देने में किसी को क्या जोड़ना चाहिए। और ये वोट क्यों महबूबा मुफ्ती साहिबा को और बाकियों को क्यों लग रहा है कि बीजेपी का वोट है, उनका वोट भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों उनके मन में ऐसा संशय आ रहा है? और अगर ऐसा संशय आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर उनको यह लगता है कि केवल और केवल अब्दुल्ला परिवार या फिर मुफ्ती परिवार या गांधी परिवार और उनके सगे संबंधी ही वोट डालें, तो ऐसा हिंदुस्तान का जो है कानून हमें इजाजत नहीं देता, ना हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है। यहां पर सबको जो है बराबर के हक हासिल है। आरोप लगाती हुई नजर आई है। देखिए ऐसे मैडम जी कि ये जो कल इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनका ट्वीट आया, आज आपने डिटेल में इस पर बात की है भी, हमें तो समझ नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर के साथ होने क्या जा रहा है। मैं कश्मीर की नहीं, आज मैं जम्मू की बात करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि 25 लाख वोटर हमने ऐड करेंगे, मुझे बताइए कि 25 लाख कौन लोग हैं हमें नहीं मालूम, या किसको करना चाहते हैं, इनको संख्या पहले ही पता है कितने हैं क्या है। मुझे बताइए कि नए वोट आपने ऐड करने, आपको कैसे पता कि वो 25 लाख ही हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें जो अहम है, ये कहते हैं कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, ठीक है भाई, आज तक ये कभी हुआ है कि किसी दूसरी स्टेट का बशिंदा दूसरी स्टेट में जाके वोट डाल देगा और वहां उसका MLA चुन लेगा, ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं एक बात, इन्होंने एक जो लफ्ज उसमें लिखा है ट्वीट में जो पढ़ा है, ऑर्डिनरी लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? कोई एक महीना पहले आया, कोई 2 महीना पहले आया, आपने डोमोसाइल ला लाया और आपने वोट के लिए डोमोसाइल जो है वो मायने नहीं रखा, उसकी कोई आपने मान्यता नहीं रखी। आप मुझे बताइए ये आप करना क्या चाहते हैं? आप तो टॉपोग्राफी चेंज करना चाहते हैं जम्मू की। आज तक आप नारे लगाते थे जम्मू जम्मू, अब हम यहां पर बैठे हैं, ये बहु कंसेंसस का हिस्सा है। बहु का MLA का फैसला किसने करना है मैडम जी? बहु के रहने वाले लोगों ने करना है ना। आज भारतीय जनता पार्टी हमें क्या सिखा रही है कि MLA बहु का बनेगा, फैसला यूपी बिहार से होगा, फैसला मेरठ से होगा, फैसला गुजरात के गांधीनगर से होगा, ये कैसे पॉसिबल है? हम इस चीज को माने कैसे? मुझे बताइए, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि जिनको ये लगता है कि यूपी बिहार कोई अलग का एरिया है तो उनको सबसे पहले अपने वो भाई जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं है ना, यूपी बिहार हमने कभी नहीं डाला जाके मेरे MLA चुनने की। मेरे को आदत नहीं किसी के बीच में बोलने को, मैं ये चाहूंगा आप ही तुम नाम से सुनने, यहां बोलिए फिर मैं खत्म करूंगा अपनी बात। सबसे पहली बात ये थी, रविंद्र शर्मा जी को पैच कीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो सभी लोगों के हक हकूक एक है। हमने कहीं नहीं कहा 25 लाख या 30 लाख, ये आंकड़ा जिसने निकाला होगा उन्हीं से पूछिए। आज हर एक इंसान अपने आधार से और बाकी चीजों से लिंक्ड है, सबको पता लगता है कौन सी पॉपुलेशन कहां मूव करती है और कहां नहीं करती है। हम लोग
तो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं पूरा कोई भी कहीं बैठा जहां पर उसको राशन मिलता है वो वहीं पर रहे। तो इसमें अंदर क्या, अगर लोगों को हक हकूक मिल रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? इन्हीं लोगों की रणनीतियों की वजह से, इनकी राजनीति की वजह से 50-60 साल अपने साथ अपने ही देश के अंदर वेस्ट पाक रेफ्यूजीज जो है वो एलियंस की जिंदगी बिताते रहे, उनको उन्होंने हक हकूक नहीं दिए। जो मेरे सामने बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, इन्हीं के लीडरों ने आज से 30 साल पहले सफाई कर्मचारी उठाकर लाए पंजाब से, उनको क्या आश्वासन दिया कि आपको हम यहां पर परमानेंट रेजिडेंट बनाएंगे? उसके बाद वो 30 साल तक इनकी गंदगी साफ करते रहे, उनके बच्चे पीएचडी भी कर गए लेकिन केवल और केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। इतनी बड़ी नाइंसाफी से हम लोगों को आज निजात मिली है, इनको पता नहीं क्यों तकलीफ। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ए किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। करने का हक दिया गया। बशीर जी, आशा जी, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीईओ की तो अजीब सा लगा। रविंदर शर्मा जी को पैच कीजिए। अजीब सा इसलिए लगा कि 25 लाख का फिगर आया और सुरेंद्र जी ने एक बात अच्छी कही कि ये 25 लाख का फिगर जो है ये कैसे कैलकुलेट हुआ। पहली चीज़ ये है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कंप्रहेंसिव रिवीजन हो रहा है, लेकिन वोट बनाना कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने 2020 में जो इलेक्शन लड़े इसके डीडीसी के, उस वक्त भी वोट बने। वो जो फिगर है वो बिल्कुल सामने है, मगर लगता है कि बीजेपी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। इनसिक्योर इसलिए फील कर रही है कि उनके पास लोगों को दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत के ऊपर हुकूमत में आना चाहते हैं। इस अमर के बावजूद कि लोगों ने 2014 से लेकर आज तक तो कुछ नहीं देखा, महंगाई देखी, बर्बादी देखी, रियासत को तोड़ के रख के दिया ये भी देखा, और अब इस चीज़ के ऊपर वो बैठना चाहते हैं और उसके लिए वो 25 लाख का एक फिगर लाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सीओ साहब से, जो आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े काबिल अफसर हैं, मुझे बताइए कि आपने कैसे कैलकुलेट किया कि 25, ये तो जिस तरह इन्होंने कहा ये 30 लाख भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये 25 लाख। गोया इन्होंने फ्रॉड करने का बंदोबस्त कर लिया हुआ है, इन्होंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया है कि हमने किसी भी कीमत के ऊपर आना है। और एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पहले लेट मी कंप्लीट। पहली चीज़ यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो पनपती है जब लोगों की सपोर्ट होती है। जब इनको ऐसा लग रहा है, यहाँ मुझे लगता है कि कल इसको निर्मल सिंह को एमएलए नहीं होगा, कल यहाँ वो कविंदर गुप्ता एमएलए नहीं होगा, यहाँ बिहार का होगा, यहाँ यूपी का होगा, क्योंकि वोटर बनाना ही नहीं है, वोटर बनाने के साथ साथ राशन कार्ड है, वोटर बनाने के साथ साथ उसकी जो दूसरी फैसिलिटीज हैं, जो प्लानिंग है, ये कैसे मुमकिन हो रहा है? आजकल हर एक चीज लिंक कर रहे हैं आप आधार के साथ, तो आधार के साथ जब लिंक करते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग जो है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि निर्वाचन आयोग पर सवाल निशान नहीं उठ सकता है। मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं उठ सकता है, वो कोई कुरान शरीफ या गीता की किताब नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, प्लीज 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 सुन लीजिए मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ। ये सब फिगर ये जो है ये बाजबता इन्होंने तैयार करके रखे हैं कि ताकि सत्ता में किसी तरीके से आए। ये बीजेपी को मदद करने के बगैर और कोई साधन नहीं है। कैसे बिलीव करें, कैसे कह रहे हैं वो कि ये 25 लाख फिगर कैसे आ रहा है? मैं जरूर चाहूंगा कि इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ा जो मेरे को हास्यास्पद तो ये लगता है कि जमहूरियत की बात कौन कर रहे हैं जिन्होंने 1987 में खुद ब खुद ही जमहूरियत का गला घोंटा और जीते को हरा दिया। आप 87 के सारे कितना जिंदा रहोगे? सुन लीजिए ना प्लीज, मैंने बीच में बोला बशीर साहब, मैंने नहीं बोला, प्लीज आप भी सुने। 87 में जिन्होंने जमहूरियत का गला घोटा और उस समय होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे और इनके यहाँ पर किस तरह से एमयूएफ पार्टी को आपने जमहूरियत से बाहर निकाला था और कश्मीर में बंदूक दाखिल आप लोगों ने करवाई, तो कम से कम जमहूरियत की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। दूसरी बात, इनके आप देखिए कि कितने इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ, सभी के साथ ही, भले ये जो परिवारवाद वाली वंशवाद वाली पार्टी है और भले वहां पर टेररिस्ट है, यहां से ये लोग अपना राग लाप रहे, वहां से टेररिस्टों ने आज थ्रेट दे दिया कि अगर कोई भी आएगा तो हम उसके साथ ऐसा करेंगे। ये क्या चल रहा है यहां पर? हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को आप डराएंगे, धमकाएंगे? ये तो नहीं होने देंगे। फाइटर की तरफ से धमकी दी गई है, जरा वो लूप चला दीजिए, फिर एक एक करके रिएक्शन जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान तो किया गया, जानकारी सामने रखी गई, लेकिन उस बीच में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बने हुए हैं। जरा वो लूप चलाइए जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से एक बड़ी धमकी जो है वो सामने आई है।
और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि रविंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा का भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। लूप चला दीजिए पहले कश्मीर फ्रीडम फाइटर का और उसके बाद फिर दोबारा से पैनल का रुख करेंगे, क्योंकि एक एक करके आप देखिए आरोप किस तरह से लगाए जा रहे हैं। रविंदर जी, सवाल आपसे भी है कि आप देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने भी अब सवालिया निशान यहाँ पर दाग दिया है, तो साफ तस्वीरों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से एक धमकी भरा पत्र जो है वो रिलीज कर दिया गया है यहाँ पर। इससे पहले भी आप देखिए टारगेट किलिंग जब हो रही थी उस वक्त भी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से ही जिम्मेदारी ली गई है, और अब यहाँ थ्रेट लेटर जो है वो कश्मीर फ्रीडम फाइटर की तरफ से जारी कर दिया गया है कि अगर बाहर से कोई यहाँ पर आता है तो वो किस तरह से हालात बनाएंगे और किस तरह से अब हालात यहाँ बनने वाले हैं। यानी सवालिया निशान यहाँ पर यह है रविंदर जी कि किस तरह से अब सूरत हाल रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी आतंकवादी या अलगाववादी धमकी क्या उसकी हम सब पूरा करते हैं, कानून और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कोई भी बात किसी का विरोध भी करना तो कानून के रूप और कानून की स्पिरिट के मुताबिक होना चाहिए। धमकी भरे गए इस तरह की कोई कारदार है। दूसरी बात यहाँ तक कही थे इलेक्शन कमीशन का जो घोषणा है 25 लाख नए वोटर होंगे, 36 लाख कुल वोटर जो है वो अभी तक है, और 25 लाख वोटर अगर नए जो है वो बनेंगे और जम्मू कश्मीर के बाहर जो होंगे, इसका मतलब कि एक चौथाई हिस्सा वोटर के बाहर से लाना चाहते हैं। भाजपा को डर है वो तमाम चीजें करने के बाद जो दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम उनकी नीतियों से बहुत खुश है, वो उसका पर्दाफाश हो गया है। हम जो बात करते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा नेता होने की वजह से ये कहूँगा कि हम देश नेशनल पार्टी, जो कानून है कानून के रूप है, जो कानून पहले बना है आज तक अगर उसमें कोई तरमीम नहीं हुई है, जो रिपब्लिकेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसकी क्लास 20 है जिसमें डेफिनेशन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, उस डेफिनेशन के तहत जो है वो उसका पर्पज जो है जो ये बताया गया ये नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये मिस इंटरप्रिटेशन है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन का मकसद है कि जैसे मैं जम्मू में रह रहा हूँ, रशीद साहब बनी से यहाँ जम्मू में रह रहे हैं, इसी तरह से अभी भी बनी से शायद जम्मू में रह रहे हैं, हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनी के हैं, सुंदर बनी के हैं, अपने अपने इलाके के हैं, और उसमें लिखा है तो कोई आदमी किसी बिजनेस की वजह से, किसी नौकरी की वजह से, किसी पेशे वकालत या किसी और की वजह से, किसी स्टडीज की वजह से या लंबी बीमारी की वजह से, यहाँ तक कि उस क्लास में ये भी लिखा है कि अगर कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई ऐसा है जो उस अपनी ड्यूटी की वजह से अपनी देखिए सबसे पहली बात सबसे रविंद्र जी सुन लीजिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कांग्रेस का बीजेपी को डर है, रविंद्र जी ने यहाँ पर सवाल छोड़ा कांग्रेस था। कांग्रेस का मैं स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस अपना स्टैंड जरा क्लियर करे। कांग्रेस किसको यहाँ का और किसको बाहर का समझती है? क्या पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस के लिए एक नहीं है? ये अगर इस तरह के बयान है तो गुलिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में आता, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज आपको सुन रहे हैं। आप किसको अंदर का किसको बाहर का कहना चाहते हैं ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात यह आती है, भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर नहीं लगता। डीडीसी बीडीसी में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं और आपके तो गिनिंदा चुनिंदा ही लोग जीत पाए हैं, हमें किसी के चुनाव से डर नहीं है। मेरी बात को मुकम्मल करने के बिना कैसे बात रविंदर जी सुन लीजिए, चलिए अब जवाब दीजिए, आपको सुन लीजिए, मैंने सुना ही नहीं क्या जवाब दूंगा, सुनाइए सब सुन रहे हैं आपका जवाब। जो डेफिनेशन है कानून की ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 20 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है। उसकी डेफिनेशन ये है कि मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ अभिजीत जी बैठे हैं, किसी तरह बैठे हैं, ये अपनी पोलिटिकल एक्टिविटी या किसी पेशे की वजह जम्मू में है, मैं पेशे की वजह से जम्मू में हूँ, तो मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट सुंदरबनी का हूँ, ये बनी के हैं और उसका पर्पज ये है। और जो सर्विस वोटर है वो पहले भी था कि सर्विस वोटर जम्मू कश्मीर का फौजी है, बाहर है, वो पोस्टल बैलेट से वोट आता था। मैं इलेक्शन कमीशन की इस इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं हूँ कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के माध्यम से जो यहाँ पे लेबर है, जो दूसरा है, जो बिहार में वोटर है, यूपी में वोटर है,
और उसने ना डॉमिसाइल बनाया या घर बनाया ना वो यहाँ रहना चाहता है, वो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, और उसके घर में अगर ये करेंगे रविंदर जी, बशीर जी भी आपकी इस पूरी बात से वो सहमति अपनी दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब अभिजीत जी से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार आप देखिए निर्वाचन आयोग को लेकर भी अभिजीत यहाँ पर रविंदर जी बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। मैंने जो पहले कहा शायद मेरे को लगता है कि रविंदर जी मेरा बात नहीं, बशीर जी मैं आपके पास मेरा जवाब सुना, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ क्या ये स्टैंड कांग्रेस का है, यानी कि कांग्रेस किसी को अंदर का और बाहर का किसी को यहाँ पर वैसा समझती है, तो ये स्टैंड अपना पूरा क्लियर कर लीजिए क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको देख रहे हैं। दूसरी बात रही बात जो आप कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंसान यहाँ पर अगर वोटर बनना चाहता है पहले अपना पिछला वोटर जो है वो वोट रद्द कर कर आएगा, अगर अपना वोट कोई रद्द पहले तो इतनी संख्या कितनी होगी जो लोग अपने जो नेटिव स्टेट या जहाँ के रहने वाले हैं वहां का वोट रद्द कर रहेंगे, इतने बहुत कम संख्या होगी। इसमें पता नहीं आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है या क्यों जो वोटर यहाँ पर आएगा वो अपना वोट पहले रद्द करेगा और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेगा। बशीर जी पहली बात यह है कि जो चीज सामने आ रही है जो ऑर्डिनरी की डेफिनेशन सुरेंद्र जी क्या नाम है रविंदर जी ने बताई, हकीकत में वही है कि ऑर्डिनरी मैं मेरी जो पैदाइश है वो मेरे वहाँ उस जगह से है जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं टेम्पररी तौर पे यहाँ रिहाइश रखता हूँ, मगर उसमें यह है कि मैं बाशिंदा तो हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो 25 लाख का इन्होंने बताया है, ये 25 लाख का फिगर ये रात को पंजाब से कोई चलेगा दूसरे दिन यहाँ वो काट के बैठेगा उसको आप ये वोटर बनाओगे, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है इसके साथ जुड़ी हुई है, आपका राशन इसके साथ जुड़ा हुआ, आपकी डेवलपमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है, ये करना क्या चाहते हैं। पहली चीज ये है कि जो सेट रूल्स हैं उस सेट रूल्स को जब भी ये क्रॉस करेंगे तो उसके ऊपर उंगली उठा। जवाब देता हूँ इनके लिए तो 40-50 साल भी जो यहाँ पर रहे वो भी ऑर्डिनरी रहे, इनके लिए 30 साल जिन्होंने इनकी गंदगी साफ करी वो भी ऑर्डिनरी रहे, उनको तो उन्होंने कभी माना नहीं तो उनको कहां पर मानेंगे। खैर जो कहीं पर यहाँ पर रह रहा है कई सालों से रह रहा है जो यहाँ पर रहना चाहता है वोट डालना चाहता है उसका जरूर उसे हक हकूक मिलने चाहिए। और दूसरी बात जो मैं फिर से कहूंगा और मुझे लगता है कि इसके नीचे सिर्फ आप जरा नाम चेंज कर लीजिए, जो धमकी आज आपको इन टेररिस्टों ने इसके अंदर बस नीचे नाम चेंज कर लीजिए, इनकी भाषा उन टेररिस्टों की भाषा एक जैसी है, हम किसी को आने नहीं देंगे, वो बंदूक के दम पर कर रहे हैं और ये लोग अपने लफ्जों पे और अपनी बातों से कर रहे हैं, सभी की मिली भगत है ताकि यहाँ पर जो है हालात ये इनडायरेक्टली डरा रहे हैं, ये सब डरा रहे हैं उन लोगों को, इसमें कौन सी यहाँ पर सूची यहाँ पर बिल्कुल आप डरा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं वो भी ऐसे डरा रहे हैं, वो भी ऐसे डरा रहे हैं, उसके लिए कुर्बानी दी है जो अभिजीत जी आपने नहीं दी है, जो अभिजीत ने अभी बात की है मैं उसको पूरी तरह से उसको कंडेम करता हूँ, इट इज टोटली कंडेमेबल। देश भारतीय जनता पार्टी की जरखरीद नहीं है, जहाँ हमारी नेशनलिटी पे जहाँ हमारी नेशनलिटी उंगली उठाने वाले आप कहते हैं उस लेटर के नीचे आपका नाम लिख दे, मैं कहता हूँ उस लेटर के नीचे आपका नाम लिखे। पहली बात तो यहाँ पर ये है, एक मिनट बशीर जी, एक मिनट आवाज को डाउन करना पड़ेगा, फिर एक मिनट एक एक करके सुनिए, एक मिनट। पहली बात तो यहाँ पर ये है, मुद्दे को मत चेंज कीजिए, इनकी आवाज को डाउन कर दो, इन तीनों की आवाज को डाउन कर दो, तीनों की आवाज को दबा दो और तीनों की आवाज को दबा दो। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि डिबेट आज यहाँ पर 25 लाख वोटर्स को चल रही है, ना कि एक दूसरे पर क्लेम करने की कि आप आतंकी तंजीम से। अभिजीत एक मिनट, लेट मी क्लियर वन थिंग, अभिजीत इस तरह से यहाँ पर कटाक्ष करना सही नहीं है, इसमें वन साइडेड कुछ नहीं था, मैं अभिजीत से बात कर रही हूँ। अभिजीत जिस तरह से ये कमेंट आपने किया है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। आशा जी, बशीर जी, आप एक चैनल आप डिबेट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर की जी, ये वही आपके चैनल पे हमें सुनिए, पहले बात सुनिए, वही चीज क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर वोटर्स को लेकर बात कैसे आपके चैनल पे अभी जी तक वर्ड वापस लीजिए, आप जवाब दीजिए, एक मिनट आप अबू दुर्जाना कौन था, अबू दुर्जाना कौन था, एनआईए की चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है, अबू दुर्जाना कौन था, उसके बराती कौन थे, सभी आप लोग बराती थे अबू दुर्जाना, तीनों की आवाज को बंद कर दो, तीनों की आवाज को दबा दो, तीनों की आवाज को दबा दो। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है अभिजीत, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये एक हमारे न्यूज चैनल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मेरे साथ जितने भी गेस्ट बैठते हैं
उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, वो हर एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो भी यहां पर बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि मुद्दा आज यहां पर 25 लाख वोटर्स का चल रहा है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने का जुड़ रहा है। अपने वर्ड्स जो है अभिजीत वो वापस लीजिए आप, कि आप बात कहना चाहता हूं, लास्ट बात से कंप्लीट करूंगा मैं अपनी, क्योंकि मुझे अभी अगली डिबेट में जाना है, लास्ट बात से कंप्लीट करूंगा। सबसे बड़ी बात ये, जरा अपना ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप बताएं, इनका क्या कहना है कि यहां पर कोई बाहर का नहीं आ सकता, यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कोई आ नहीं सकता, यहां पर नहीं आ सकता, और ये कहना ये कि चार्जशीट में ये सभी के नहीं चलेगा, अबू दुर्दाना के जो है काजी रहे हुए हैं, इनको तकलीफ क्या होगी, ये नहीं चाहते यहाँ पर बाहर से कोई आए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आके रह सकता है, हम किसी को आप डरा नहीं सकते, नाम करने देंगे किसी को, हम बैठे आए, हम बैठे यहाँ पर, हम नहीं डरने देंगे किसी को, ये हिंदुस्तान एमसीआर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सबकी आवाज को दबा दो। मैं यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि यहाँ पर कौन मिलिटेंट है कौन नहीं है, मेरे को आम जनता के बारे में बात करनी है। एक प्लेटफॉर्म दिया गया है गुलिस्तान न्यूज चैनल का कि आप लोग अपने हक की आवाज को सामने रख सके, आम जनता की भलाई के लिए काम कर सके और आवाज को बुलंद कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी डिबेट को खराब कर दिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बशीर जी आपका भी, वीरेंद्र जी आपका भी, अभिजीत जी आपका भी और रविंदर जी आपका भी। किस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ काम किया गया और उसके बाद निर्वाचन आयोग का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, लेकिन उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर निशाने पर लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती हो या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर और अलग अलग पार्टियां हो, पहले से ही निंदा और कटाक्ष करते आए हैं, लेकिन आज फिर से एक बार आपने देखा कि बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि निर्वाचन आयोग किस तरह से काम करेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अपनी जानकारी पूरी तरह से सामने रख दी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।